हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज मैं चला रहा हूँ भाई ऑल न्यू महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट, ही में से बोलूंगा क्योंकि इसमें अब आपको मिल जाता है न्यू इंजन। जी हाँ, पेट्रोल इंजन इसका अब अपडेट हो चुका है। इसके ना मैंने डिटेल वॉकराउंड वीडियो ना डाल दिया आपने चैनल पे, वो भी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आई बटन पे आप वो भी देख सकते हैं। अब ये पहले वाला पेट्रोल इंजन नहीं रहा भाई, जिसमें आपको 110 BHP और 200 NM टॉर्क मिलती थी। ये वाला इंजन अब बन चुका है भाई न्यू TGDI पेट्रोल इंजन, जो अब आपको प्रोवाइड करता है 130 BHP विद 230 NM ऑफ टॉर्क। इधर आप बैजिंग भी देख सकते हैं TGDI की, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया भाई न्यू इंजन है। जो मेजर चेंजेस है ना, वैसे मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया। एंड नीचे आप देख सकते हैं ये पेडल्स भाई सिल्वर ट्रीटमेंट, मतलब कि स्पोर्टीनेस अब महिंद्रा ने ना इस कार में फोकस करेगी भाई, इस कार को ना स्पोर्टी बनाते हैं। एंड कलर भी मैंने आपको दिखाया था, गोल्डन कलर है। एंड बाहर की साइड भी ना रेड एसेंस का यूज करा गया है। और इधर स्कॉर्पियो भी जा रही है, बट स्कॉर्पियो को आज हम फोकस पे नहीं लाएंगे, आज हम फोकस पे लाएंगे भाई ये महिंद्रा की न्यू XUV 300 जो की TGDI इंजन के साथ आती है। और ये ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई, 130 BHP सब 4 मीटर कार, लाजवाब। आज ना इस वीडियो में ना मैं आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा, क्योंकि डिटेल वॉकराउंड में तो मैंने आपको इसकी सारी चीजें बता दी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नहीं। वही वाला इंजन है भाई, 1200 CC का 3 सिलेंडर, बट ट्यूनिंग इसकी इंक्रीज हो चुकी है। एंड अभी मैं हूँ फिलहाल हाईवे पे, अभी से ना हम थोड़ा बहुत रेव करेंगे। अभी तो भाई मैं चौथे गियर पे चल रहा हूँ आराम आराम से, मतलब की कार को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, बट ठीक है, बहुत ज्यादा समझ लिया। अब ना चौथे गियर पे ही है, ठीक है। अब मैं एकदम पंजा दबाऊंगा, 60 पे है। जो खींचती है ना भाई कार, ये देखो मतलब फोर्थ गियर पे खींच रही है भाई, ये बहुत ही अमेजिंग। अभी ना मैंने कार वापस खड़ा दिया, ठीक है। अब ना इसे ना मैं इनिशियली रेफ करके आपको दिखाता हूँ। ट्रैक्शन मैंने इसका करा ऑफ, आप देखते हैं जो 130 BHP भाई वो कैसे भागती है, क्या मतलब क्या परफॉर्मेंस आती है। पीछे ना भी कोई कार वगैरह सारी दूर है। RPM गई है भाई इसकी 4 तक, 4 से ऊपर नहीं जा रही है। 1 2 3, ये देखो भाई जो व्हील स्पिन है ना, बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। ये ओहो, सेकंड गियर पे भी व्हील स्पिन, बट हाईवे है इसलिए मैं थोड़ा ना नीचे कर दूंगा अभी, मतलब कि पैडल से पैर हटा दूंगा। ये देखो मैंने हटा ही दिया। बट जैसे आपने नोट करा होगा भाई, सेकंड गियर में भी, मतलब कि जब मैंने सेकंड गियर लगाया एंड क्लच छोड़ा, तब भी इसका व्हील स्पिन आया था भाई। परफॉर्मेंस तो ना इसकी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। अब ना ये चढ़ाई है भाई, बहुत ही तगड़ी वाली चढ़ाई है, ठीक है। एंड चढ़ाई की बात करें ना, चढ़ाई पे तो चलो अभी चौथे गियर पे कार चल रही है, और ज्यादा स्टीप चढ़ाई है भाई। ये कैमरे में ना ऐसे पता नहीं चलेगी। हाँ, ये पैर हटा दिया मैंने, देखो ऐसे तो स्पीड तो नीचे आएगी। मतलब टॉर्क की बात करें ना, थर्ड गियर पे लगा देता हूँ मैं, चलो ठीक है, थर्ड गियर पे लगा दी। अभी भी कार चलो नीचे आ गई, सेकंड पे लगा देता हूँ, चलती तो रहेगी। ये देखो सेकंड पे भी चढ़ाई जाता है ना, चढ़ाई बहुत ज्यादा है भाई, ये बहुत ज्यादा। डीजल कार थोड़ी है ये, 300 NM टॉर्क थोड़ी है XUV 300 में। डीजल वाली में ना आपको 300 NM टॉर्क मिल जाता है भाई, क्या ही कहने यार, उसके तो बहुत होता है 300 NM टॉर्क यार, मतलब कि क्रेटा वगैरह से भी ज्यादा, जिसके अपर सेगमेंट है ना उनसे भी ज्यादा मिल जाता है। बट पेट्रोल में भी यार 230 NM ना कम नहीं है भाई, बहुत होता है 230 NM, लाजवाब। और दौड़ती तो यार बढ़िया है। अभी ना तीसरे गियर पे मैं खींचता हूँ थोड़ी, ये देखो जो सुई उठती है ना इसकी, बहुत ही तगड़ी उठती है भाई। एंड यार स्टीयरिंग रिस्पांस वगैरह की बात करें ना, बिल्कुल सेम है स्टीयरिंग रिस्पांस भी, ऐसा नहीं है कुछ स्टीयरिंग में चेंज करा हो। बट वही बात है, स्टीयरिंग में ना आपको मोड मिल जाते हैं इधर से, जैसे कि मैंने प्रेस करा कंफर्ट मोड लग गया, फिर से प्रेस करा ये लग गया नॉर्मल मोड, एंड एक और बार मैं प्रेस करूंगा ये लग जाएगा स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में ना स्टीयरिंग ना बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब कि ना स्टिफ सा हो जाता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है स्पोर्ट्स मोड में। मतलब कि जब हम स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं स्टीयरिंग को, तो ऐसा लगता है कि भाई और भगाएं। आपको समझ आ ही चुका होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि ना स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग। ये नहीं लाइट, अब बिल्कुल हार्ड हो रखा है, ये देखो भगाऊंगा ना मजेदार भागेगी। और ये ना वैसे उतराई है भाई, जैसे पहले हम चढ़ रहे थे ये उतराई है। इसमें ना आपको कहीं पे भी ना हिल डिसेंट कंट्रोल का ना बटन तो ऐसे नहीं मिलता है, बट नो डाउट यार कार की जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ही बढ़िया है। ब्रेकिंग की बात करें भाई, ब्रेक्स भी मैं जैसे लगा ही रहा हूँ बिल्कुल सेम है ब्रेकिंग मैंने ऐसे कुछ भी इम्प्रूव नहीं करा है जो मैंने नोट करा है। अब महिंद्रा जब ऑफिशियली लॉन्च करेंगी वो कह देंगे हमने थोड़ा बहुत ये चेंज करा है, सस्पेंशन चेंज करा है। जैसे क्लासिक की बात करें, स्कॉर्पियो क्लासिक की जब मैंने वीडियो डाली थी, महिंद्रा ने फिर बाद में कहा कि भाई सस्पेंशन में थोड़े बहुत चेंज है। ये जब आप रियल लाइफ में चलाते हो ना, एक बार आप उसे चला लो पुरानी वाली को और ये चला लो, कॉमन मैन को ना ऐसे नहीं पता चलता कि यार सस्पेंशन में 19-20 का मान लो इसमें भी चेंज करा हो ट्यूनिंग सस्पेंशन की। जैसे फॉर्च्यूनर आप लेजेंडर चलाना या फिर नॉर्मल वाली चलाना, फिर उसके बाद GR स्पोर्ट्स चलाना, ऐसे जो है सस्पेंशन में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं लगता। टोयोटा वालों ने तो बोला तो यही था ना कि भाई GR स्पोर्ट में भाई हमने सस्पेंशन की ट्यूनिंग अलग करी है, बट मैं वही बता रहा हूँ कॉमन मैन को ना, जैसे आप रेगुलर लाइफ में चलाओगे 19-20 का ना माइनर सा फर्क दिखता है भाई, इतने ट्यूनिंग वगैरह का कुछ नहीं है। जो मेजर फर्क दिखते हैं ना
स्कॉर्पियो एन 4x4 और स्कॉर्पियो एन 4x2 में, उसमें लगता है कि हाँ भाई 4x4 में कुछ अलग है, स्टिफ है उसके सस्पेंशन। बट इसके ना मुझे अभी तक तो यार एज सच ना मेजर डिफरेंस वाली कोई फील नहीं आई है। एक तो मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, कोई खड्डे वगैरह आएंगे शायद से इसलिए ना आई हो, अभी खड्डों में भी चल लेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ब्रेकिंग वगैरह जैसे मैंने आपको बताई बिल्कुल ही सेम है, 4 डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है। एंड अब चलाने की बात तो हम करेंगे ही, बट ना कमेंट सेक्शन में ना एक चीज आप बताना, अब ये देखा है ना स्पोर्ट्स मॉडल हम इसे कह सकते हैं, जैसे किया वाले GT वगैरह लगाते हैं ना, TGDI वाला ये इंजन आ जाता है, तो इंटीरियर में भी ना थोड़ा बहुत तो चेंज करना चाहिए था। एक्सटीरियर में चलो थोड़ा बहुत आपने चेंज कर दिया ठीक है, बट इंटीरियर में थोड़ा बहुत ये जैसे स्पीडोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जैसे ये डिजिटल दे देते तो बातचीत बन जाती ना यार, रेड एसेंस दे देते, सीट कवर्स में रेड स्टिचिंग दे देते तो बातचीत ना अच्छी बन जाती। बट नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा है महिंद्रा ने, ये तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। और बाकी तो आप इंटीरियर देख ही सकते हैं, बिल्कुल सेम है, वही वाली स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन तो चलो अच्छा मिल जाती है इसमें, जैसे थार में रिमूव कर दिया ना जब से न्यू लोगो आया। तो भाई अब ना मैं खाली रोड पे आ चुका हूँ, ट्रैक्शन में कर रहा हूँ भाई ऑफ, AC भी मैं कर देता हूँ ऑफ। अब ना 0 to 100 करनी है ना, ट्राई करेंगे, फिर इसकी ब्रेक भी टेस्ट हो जाएगी इसी बहाने, क्योंकि आगे है भाई कच्चा रास्ता तो हमें पहले रोकना पड़ेगा। एक्सलेशन करता हूँ मैं, RPM जा रही है 4 तक, 1, 2, 3। ये देखो लैग यार इनिशियली ना है, सेकंड गियर में भी ना हल्का सा लैग आपको लगेगा, बट भाई जो व्हील्स भी ना आते हैं ना सेकंड गियर में भी। और ये कैमरामैन थोड़ा इधर लाएं, स्पीडोमीटर दिखाएं, बट आगे ट्रैफिक भी आ चुका है। बट ये देखो 97 तो लगी चुकी थी, अब बंदे भी आ चुके थे यार आगे, इसलिए ना मैंने ब्रेक मार दी। बट ब्रेकिंग यार इसकी लाजवाब भाई, बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है इसकी, मतलब ना 100 में आराम से लग जाती, 97 तो लगी चुकी थी। बट एक चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ ना यार, जो कार खींच रही है ना यार, ये हमेशा बोलता है भाई, क्यों बोलता है भाई तू इतना। हाँ जी मैं आपको ये बता दूं, जो कार खींच रही है ना यार, नो डाउट बढ़िया खींच रही है। फर्स्ट गियर पे व्हील स्पिन चलो भाई ठीक है, होता ही है, बट भाई सेकंड गियर पे भी व्हील स्पिन यार इस कार में लाजवाब। जो इससे पहले जो पेट्रोल है ना महिंद्रा की XUV300, उससे तो यार बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है यार इस कार की। एक बार ना लास्ट बार रेव करता हूँ भाई ठीक है, ट्रैक्शन ऑफ ही है, नहीं है ऑन हो जाता है यार महिंद्रा की कार्स में। ट्रैक्शन कर दिया मैंने ऑफ, AC मैंने कर रखा है ऑफ, ब्लोअर चल रहा है, RPM मैंने कर दी है 4 तक, 1, 2, 3। ये देखो ठीक है, लैग तो है ही, अब सेकंड गियर पे भी व्हील स्पिन, ये देखो ये 5 RPM सेकंड गियर पे जा रही है भाई, ये 80 सेकंड गियर पे 90 चल गई, बट मैं ब्रेक मार रहा हूँ, मैंने जान के थर्ड गियर डाला ही नहीं। ये देखो ब्रेकिंग भाई बढ़िया जबरदस्त भाई, सेकंड गियर पे 90 बहुत ही मायने रखती है ठीक है। क्रेटा वगैरह जाती है 84-85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी वरना भी 85-86 तक चल जाती है सेकंड गियर में, वो चलो डीजल भी है, बट यार ये भी टर्बो है, टर्बो पेट्रोल है भाई, परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है। अब बात करें ना इंजन रिफाइनमेंट की, इंजन भाई बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। अब मैं जैसे रेफ भी कर रहा हूँ ना, ऐसे अंदर इतनी नॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, आप भी कैमरे में सुन ही सकते हैं। और जब मैंने देखो, अब मैंने जैसे एक्सीलरेशन छोड़ दिया, तब तो भाई बिल्कुल ही नहीं आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है इलेक्ट्रिक चला रहा हूं मैं, जो XUV400 आई है ना इनकी, वो वाली फील आ रही है। बट जो मुझे डिसएडवांटेज लगा ना, वो जो लैग है ना वो तो है ही, जब RPM आपकी 1.9-2000 से ऊपर जाती है ना, तब मजा आता है खींचने का। बट उससे पहले ना आपको मतलब इनिशियली ना एक वो लेथार्जिक सा लैग होता है ना, वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। बट बात वही आ जाती है यार, आप टर्बो पेट्रोल कोई भी इंजन ले लो, फॉर एग्जांपल जो किया में आता है 1.4 सेल्टोस वाला, या फिर कैरेंस में आता है 1.4, या फिर 1.0 ले लो जो सोनेट में आता है, उनमें भी ना लैग तो है ही। बट ये मैनुअल है भाई, तो मैनुअल में ना हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट ठीक है यार जो है वो यही है। सेकंड गियर पे 90 लगी भाई, ड्रैग ड्रुग में तो ना भाई आराम से हरा देगी अच्छी खासी कार्स को, क्योंकि 130 BHP ना बहुत ही ज्यादा होती है नो डाउट। एंड ये देखो मैं जान के इस रोड से गया था, सस्पेंशन की बात करें ना एज सच ना मुझे तो कोई डिफरेंस अभी तक फील नहीं हुआ है। 1-2% अगर महिंद्रा ने सस्पेंशन भाई स्टिफ करे होंगे वो देखो अलग बात है, बट एज सच कोई सस्पेंशन में तो आपको फर्क नहीं लगेगा। जो जो मेजर फर्क थे ना वो तो मैंने आपको भाई पहले ही बता दिए थे अंदर से जो थे। बट जैसे किया वगैरह ने कर रखा है ना भाई, जैसे GT लाइन वगैरह अंदर से भी थोड़ी बहुत चेंज कर रखी है, इधर भी GT लाइन लिखा है, रेड कलर की स्टिचिंग वगैरह है स्टीयरिंग व्हील पे, इसमें एज सच ना ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल इसका स्टीयरिंग व्हील है, स्टिचिंग वगैरह सीट्स वगैरह की वो भी बिल्कुल ही सिंपल है। बट जो चेंज करे ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है बाहर। वैसे ना मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखा दिया था, बट स्टिल इस वीडियो में भी ना मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई, जो चेंज करे ना वो करा है भाई इसकी बैजिंग वगैरह में। जैसे इधर तो चलो ठीक है XUV300 ऐसी ही लिखा है, बट जो इधर वाली बैजिंग है ना W8, ये देख सकते हैं हो जाओ ऊपर, ये देखो
W8 रेड कलर में है। एंड इधर की साइड ना आपको TGDI की बैजिंग मिल जाती है। एंड सामने की ग्रिल की बात करें, ग्रिल में आपको रेड कलर का ये एसेंस मिल जाते हैं। एंड जो लोगो है ये तो आपका वो ही है, इससे आपको पता चल जाएगा भाई अच्छा इसमें तो ज्यादा BHP है। एंड इसके अलावा तो ना कार में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ ना, कार नो डाउट भाई बहुत ही बढ़िया है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे जो स्पोर्टी कार होती है ना, मतलब टर्बो पेट्रोल वाली, उनके ना कैलिपर्स वगैरह भी ना रेड वगैरह होते हैं, बट इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैलिपर्स वगैरह ना रेड नहीं है। एंड मैं आपको ना इसका इंजन में भी दिखा देता हूँ। ऐसा है इसका इंजन, 3 सिलेंडर इंजन ही है ये, बट इधर आप पढ़ सकते हैं TGDI की बैजिंग है। एंड पेट्रोल इंजन है इसलिए आपको छोटा ही लगेगा, डीजल इंजन तो भाई बिल्कुल ही ह्यूज सा होता है, बड़ा सा होता है, इसलिए डीजल कार ना थोड़ी बहुत भारी भी होती है। बट ये आप देख सकते हैं इसका इंजन बे, और भाई जो हीट मार रहा है ना इंजन, खींची इतनी है, वीडियो में तो थोड़ा बहुत ही दिखता है क्योंकि वो ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखनी पड़ती है, बट एज सच भाई कार बिल्कुल ही गर्म हो रखी है, ज़्यादा ही से हमने खींचा है। तो यस मैं आपको यही बता रहा था, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ना कोई लीक्स वगैरह ना इस कार के नहीं आए हैं, तो जो जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है मैंने वो सारा आपको बता दिया है। पावर वगैरह तो एग्जैक्ट यही होगी 130 BHP यानी कि 130 BHP। सस्पेंशन वगैरह में अगर महिंद्रा ने कहा चेंज है तो माइनर से हो सकते हैं, बट ऐसे चलाने में ना आपको फील नहीं होंगे। एंड जो एक्सटीरियर में चेंजेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, जैसे रेड कलर का ही इधर आपको एसेंस मिल जाते हैं, इधर बैजिंग मिल जाती है, और पीछे W8 की बैजिंग भी आपको रेड कलर की मिल जाती है। इसके अलावा ना कोई चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट इंटीरियर के, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये ना मैं सारा कुछ ना बार बार इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ना एक बार मैंने स्कॉर्पियो क्लासिक की वीडियो डाली थी ना लॉन्च से पहले, तो जब वो लॉन्च होगी ना उसके बाद बंदे कमेंट कर रहे हैं भाई आपने सस्पेंशन का बताया नहीं कि इसमें चेंज हो चुका है, तो यार इसलिए मैं मतलब कि आपको बता रहा हूँ कि ये लॉन्च से पहले है। अगर आप ये लॉन्च के बाद देख रहे होंगे तो आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई ये लॉन्च से पहले इसने बना रखी है। तो विद दैट सेट इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड यार चैनल को भी ना याद से आप सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आपका एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो फाइनली मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।